हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, भारती सिंह बन चुकी है माँ। हुआ इनका प्यारा सा लाल, प्यारा सा बेटा, जिसको लेकर ये हॉस्पिटल से घर भी पहुँच चुकी हैं। लेकिन अपने बेटे की सेहत को बताते हुए आखिर क्यों छलक पड़े भारती सिंह के आंसू? क्यों हो गई भारती इमोशनल? चलिए हम आपको बताएंगे टेली टॉकीज की इस रिपोर्ट में। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, भारती सिंह जो कि दुनिया को हंसाना जानती हैं, लेकिन मां बनने के बाद भारती बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हैं। हम आपको बता दें कि भारती ने अपने प्यारे से नन्हे मुन्ने का नाम रखा है गोला, क्योंकि भाई उनका बेटा गोले जैसा है, यानी कि गोरा गोरा और खूब हेल्दी, खूब मोटू। उसको प्यार से वो गोला बुलाती हैं। तो वहीं हाल ही में भारती ने एक इंटरव्यू दिया जहां पर भारती ने बताया अपने बेटे के बारे में और कहा कि इसको पाकर मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस करती हूं। जहां पहले एक और रात को अगर जरा सी भी हलचल होती थी तो मैं और हर्ष जग जाते थे और एक दूसरे से लड़ने लगते थे कि आखिर हमारी नींद खराब क्यों हो गई। लेकिन जब से गोला आया है तब से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों रात रात को जग कर इसका ख्याल रखते हैं। इसकी तबीयत थोड़ी सी अभी ठीक नहीं रहती है क्योंकि मुंबई का मौसम ऐसा है और इसी वजह से हमें इसके साथ काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। हालांकि नैनी इसका पूरा ख्याल रखती हैं, लेकिन फिर भी मैं और हर्ष पूरा टाइम अभी इसी को देते हैं। हर्ष जब शूट पर चले जाते हैं तो पीछे से मैं एक मिनट भी इसको अकेला नहीं छोड़ती। मेरा गोला मेरे लिए मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारा है। ये कहते ही भारती की आंखें नम हो गई और वो फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि वो इमोशनल हो चुकी थी। जो भारती हंसाना जानती थी अब वो रोना भी सीख चुकी हैं। आप क्या कहेंगे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।